नहीं यही तो अंकल नहाते हैं आपने तो कुंडा लगा दिया था एक बंदे किसी ने कहा पीछे वाले मैं प्रेस से हूँ और अच्छा। मैं जीएस तोमर हूँ मैं पौंटा साहिब से हूँ अच्छा, बेटी तू तो बहुत ही ग्रव है अरे यार कमाल है बेटियाँ कहाँ करती है इतना रिस्क लेती है इनके साथ ये तो ऊत आदमी दोनों हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमें अभी नहान में और कल मैं नहान आया था और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि कल आया था मैं इधर नहान ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और अमित भी आया है वो शराम है मैं नहान में हूँ अभी इधर ही रुकने वाला हूँ मैं तीन चार दिन और फिलहाल आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ एक हेयर कट कराने बियर्ड ट्रिम करवाऊँगा थोड़ी थोड़ी और देखता हूँ फ्रेंड्स को कॉल करूँगा जो भी यहाँ पे हैं और एक राइड करते हैं यहाँ सेक्सी वाली क्योंकि बहुत टाइम बाद अपने ट्रैक पे आए हैं और एक राइड तो बनती है भाई अभी मैं वैसे ही यहीं पर हूँ काफ़ी दिन के लिए तो यहाँ की वीडियोज़ अब देखने को मिलेगी तुम्हें तो अभी देखता हूँ कंफर्म नहीं है कौन कौन आएगा पता नहीं है मुझे लेकिन राइड तो आज श्योर होने ही वाली है भगाएंगे आज देखते हैं अभी तो अभी मैं जाता हूँ पहले हेयर कट कराता हूँ उसके बाद तुम्हें मिलता हूँ मैं गाइस ठीक है बैठ 2 hours later इससे सही दिखेगा मज़ा आएगा अच्छे लाने में ब्लॉग तो बोलो सो गाइस अभी जो है मेरा हेलमेट है फरदीन ने पहन लिया है हम जा रहे हैं अभी दो सड़का तक एक राइड करने और तो कोई मिला नहीं मैं और फरदीन ही है तो हेलमेट इसने पहना हुआ है और शॉर्ट्स अभी इसके पीओवी से मेरे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे तो मैं तो एंजॉय करना देखते हैं लेट्स गो गाइस ये वाला तो और कुछ ही रावित की भाई ये वाला था जो हाँ क्या सीन आगे चले आगे चले कहाँ को चलो एक और राइडर ने हमें ज्वाइन कर लिया है आयशा ड्यू टू 50 पे और ये भी काफ़ी अच्छी राइडर है और काफ़ी टाइम से अपना प्लान था कि साथ में राइड करेंगे और आज ये फाइनली रैंडमली मिल भी गई तो अभी आगे तक जा रहे हैं थोड़ा देखते हैं क्या सीख रहता है
बढ़िया 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 होली दे, मजा आया। हर कुछ फास्ट तो हो तुम, फास्ट तो स्पीड तो है तुम्हारे पास, सब कुछ है बढ़िया है, कंट्रोल भी सही है। हाँ हाँ हाँ, कॉर्नर करो, हो जाएगा हो जाएगा। अपने वाली की जरूर है, तो अंकल नहान से ही है, नहान के बच्चे तो ये तो 100 की स्पीड थी शायद। हाँ कोटा लगा देता है एक बंदे, किसने कहा पीछे वाले इसके लाए रोड नहीं है ना बच्चे, ये नहीं नहीं चलो, स्पीड तो आपकी है, कंट्रोल भी देखा मैंने, और आगे से गलत आ गया तो क्या करोगे आप भी लगाओगे, मुझे पता है जो 100 की स्पीड में चल रहा होगा उसकी तो बच्चे की आंखें भी उस तरह से पकड़ भी होगी, पर ऊपर से तो गधे आते हैं सारे, आठवीं के पड़े गोरखे और पिकअप वाला देखा आपने कैसे उछाल कर दौड़ते, भाई मैं तो डर गया अभी, पहला देख के झटका लगा मेरे से, आपकी पहली निकली, दूसरा बंदा, फिर तीसरा, और आप बेटी हो कैसी नहीं, ये तो गलत है, मैं प्रेस से हूँ और अच्छा। मैं जीएस तोमर हूँ, मैं पौंटा साहिब से हूँ। अच्छा, था आपको हाँ? जिस स्पीड से बच्चे गए हुए है ना, ये उस स्पीड से तो मुझे पार दिखेगा अभी ये तो मैं हैरान हो रहा था मैं, देखो तब हम यहीं तक आए, इससे आगे हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे, हम लोग बहुत है यहाँ, ऐसा नहीं है, देखो इकलौते ही होने, तुम्हें एक ही दो होगा, दूसरा घर में क्या बैठा होगा, सब इकलौते ही है, आप इकलौते ही है जी, तो मम्मी पापा खूब टेंशन दे रखी है। चलो मान लीजिए अगर जैसे होती है ना वो जो स्पेशल ट्रैक होती है उस पे दौड़ाओ तो वहाँ सेफ्टी भी है। अब अंकल हमारे पास ना लोकल में है नहीं ट्रैक, वरना हम पक्का करते हैं, हमारे लिए तो यही ट्रैक है अंकल, तो हम इस पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वैसे ही फन करते हैं, बाकी ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं है कि हम लोगों को परेशान करें कुछ भी। आपसे कोई परेशानी हो रहा, मैं क्या बोल रहा, मुझे तो अच्छा हैरानी हुई, मैं हैरानी से पूछ रहा हूँ कि भाई इतनी स्पीड, मैंने सोचा बाहर के दिल्ली साइड से नहीं आते बच्चे, वो दौड़ते हैं पहाड़ों में पागल उतरे, अगर मैं ये स्पेन भी शिमला जाना है तो मेरे को तो कम से कम 3-3.5 घंटे लगेंगे, मैं कहा ये बच्चे अगर इसी स्पीड में गए ना ऐसे ही, संडे है ना आज, एक बात है बच्चों देखो एक बात है, अगर तो आप पढ़ते कहाँ हो? अगर मैं तो जॉब करता हूँ। किस जगह में? चंडीगढ़ में। और आप शक नहीं है? पहली बात बेटा ये देखो सीधी सी बात है, मैं हूँ तुम्हारे से डबल उम्र का, तुम्हारे पीछे पीछे ज्यादा हूँ, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है। एक तो माँ बाप के लिए टेंशन है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुमको रोक तो सकता नहीं कोई, माँ बाप बोलेंगे तुम बुरा मानते हैं, मुझे पता है, आंखें दिखाते हैं, मुझे पता है मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ी हो गई, लेकिन माँ बाप का दिल ना इतना छोटा रह जाता है, आपके पास बाइक भी 4 लाख से कम होनी नहीं है, कितने की है, क्या पड़ती है इसकी कैश कॉस्ट? 3-4 लाख की है बस। पर चक्कर क्या है कि मैं भी सोचता हूँ कि मैं 70-80 चलाता हूँ, 70-75 मैं फीस देता हूँ, 4.5 घंटे में मैंने भी पौंटा लगाई बुलेट शिमला से, काफी है 4.5 घंटे, हाँ जी हाँ जी, 7 पे चला था मैं शिमला से, पीछे बंदा भी था भतीजा सगा, दुख में गए थे हम अचानक ना, तो मैंने 4.5 घंटे में पौंटा उठा दी थी बुलेट, तो ऊपर वो सुबह का वक्त था 5 बजे से, तो भी मेरे को ये लगा था कि वो एक बंदे ने बोला भी कि ये तो कार की स्पीड है, बुलेट की नहीं है, ये बुलेट ज़्यादा दौड़ाया आपने, पर उस समय कुछ दुख ऐसा था कि भूलना ही था 10:30-11 तक, लेकिन मुझे आपको चिंता ये सताती है कि ये बिल्कुल सेफ नहीं है रोड, आपका तो यही पता नहीं है कि आगे वाला निकल गया पीछे वाला को लगा देगा, अभी देखो ये पिकअप वाला ना बिल्कुल इसको उतार कर रोको, ये साथियों आटू का पड़ा हुआ गोरखा ही, कोई नकली होगा ही छोटा से, इनको दर्द भी नहीं होती है, ये परवाह भी नहीं मारते, ये निकल जाएंगे ठोका, तो एक तो आपका ट्रैक गलत है, और दूसरी अगर आप ठीक है ट्रायल करते हैं आपका शौक अच्छा है, पर ये रोड वो नहीं है, जो मुझे दुखा हुआ टेंशन हुई मतलब आपको देखे ना, मैं कहा अगर ये बच्चे इतनी स्पीड में शिमला पहुंचे तो ज्यादा 2 घंटे भी लगने, 1.5 घंटे में शिमला जाएंगे, वैसे कैसे प्रोफेशनल लग रहे थे हम, प्रोफेशनल तो लग रहे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे लग रहे हैं जैसे वो आते नहीं है वो अंग्रेज टाइप आते हैं वो आप दूसरे लग रहे थे, मैं कहा लोकल न्यूज था हमारे बच्चे, ये तो हवा की तरह निकल रहे, मैं तो डरा तभी से पहली आवाज मारी, मैं कहा ये तो आ गया पीछे ही बंदा, पर देखो ये होता है ना पहुंचा था ये इसलिए नहीं, हाँ अगर आपको थोड़ा खुला रोड मिले तब तो हो सकता है 120 से ही आप उतार दो, लेकिन बॉस ये रोड सेफ नहीं है,
और दूसरी बात ये बेटो, मैं तुम्हारी उम्र के मैंने बच्चे पढ़ा रखे हैं, तुम लोग माँ बाप आगे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे बच्चों को उसमें आने दोनों तीनों कि आगे से अगर कभी भी घूमने चलो जाओ, अच्छा शौक है, माँ बाप भी अच्छे ही होंगे जब इतनी फैसिलिटी है, तुम भी खुद अच्छे होंगे जब इतनी अच्छी छोटी छोटी नौकरियों में छोटी छोटी उम्र में नौकरी कर रहे हैं, पर माँ बाप को टेंशन यकीन मानिए आप शौक कीजिए, या तो आप अच्छी सी ट्रैक पे दौड़िए या इस तरह से इस पे तो नहीं चलाना, क्योंकि इतने गंदे चलते हैं ना ये लगा के भी करते हैं, ये सही बात है, कोशिश करते हैं कि तू ज्यादा बड़ा हुआ है तो ये तो कर देंगे पल्ला पीछे से, तो आपको तो पता नहीं कहाँ जाएंगे आप, रोड से बाहर चले जाएंगे और पापा को माँ बाप को पता लगा दोनों लेकिन आप कहाँ से हो? पोंटा से हो? मैं पोंटा हूँ, नाइस टू मीट यू, मैं पोंटा से हूँ, मैंने 15 साल पत्रकारिता की, नाहड़ में मुझे सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ स्टेट का, अच्छा, और कांग्रेस पार्टी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है। मैंने 15 साल मीडिया करने बाद छोड़ दी मीडिया, अब मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, सकलानी अगर जो आपके नाहड़ के सोलंकी अगर सारे जानते हैं मेरे को व्यक्तिगत, आपके परमार साहब, परमार का बेटा आनंद परमार जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है नाहड़ में, तो नाहड़ तो मेरा हेडक्वार्टर है, मैं पर ये कि मुझे ये चिंता नहीं है कि तुम गलत चल, तुम चल नहीं सकते गलत, जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अपने आप को सेफ लाता है, उसका आंखें खुली होती है, लेकिन गधा जो सामने से आएगा उसको तो नहीं अंदाजा कि आपकी गाड़ी की कोड़ी तरह जा रही है, तो ये रोड नहीं है, आप शौक से घूमिए, थोड़ा स्पीड कम रखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर जैसे आप जाते हैं कंपटीशन अगर कहीं टूर्नामेंट होते हैं इसकी स्पीड में, और वहाँ के लिए ब्रदरवा लग सकती थी, और बेटी तू तो बहुत ही गर्व है, अरे यार कमाल है, बेटियाँ कहाँ करती है इतना रिस्क लेती है इनके साथ, ये तो ऊँट आदमी दोनों बेटी नहीं है वो भी, रिक्वेस्ट भी है और आगे के लिए थोड़ी सतर्क है ना, चलाओ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, पर ये याद रखिए माँ बाप के लिए आप अपनी उनकी जान यहाँ जाएगी, बोल नहीं सकते आजकल कुछ बुरे मानते हैं, लेकिन हम लोग चले हुए यूनिवर्सिटी पढ़ के कॉलेज पढ़ के, तो हम लोग जो होते हैं ना जो सरकारी टाइप है, हमें थोड़ा ये समझाया जाता है कि आप पेशेंस रखिए, बिल्कुल बेशक दो दिन चार दिन दो साल लेट पहुंचो अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से चलना है, तो आप बहुत अच्छा चल रहे, बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है, आप तो हर कुछ ही चल रहे थे, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको आपको आपकी जगह आपके माँ बाप की जगह पर मैं खुद को रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कि अगर मेरा बच्चा ऐसे भागता तो मैं तो नीचे गिर जाता कि बेटा तू अपनी जिंदगी तो देख नहीं, मैं तो जी नहीं पाऊंगा फिर उसके पास, ओके बुरा नहीं लगा, मैं पत्रकार भी हूँ और मैं पार्टी का बंदा भी हूँ, पर आगे से आपने इस रोड को तो कम से कम ना ऐसे ना चुनना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही घूमने आते हो आप, नाहड़ में मैंने ये ट्रेंड देखा है, घूमने आ जाते हैं बाहर को कार को लेके, तो आइए आप आराम से आइए, आप नहीं है गलत, गलत वो होगा जो आगे से आएगा और वो रुकेगा नहीं आपको, वो बोल देगा कि मुझे दिखा नहीं, ये तो बोली तरह अंदर घुस गया, और इतनी महंगी गाय बाइक जब अंदर घुसेगी तो इसमें बचेगा कुछ नहीं, ये तो सेंसिटिव होती थी ना, देखो कैसे इधर जो लोहा लुआ लगा है सुनता कुछ नहीं, ऐसा का नाम है ना, मैं आपको वहाँ देख रहा था, सही मानिए आप 40-50 और इतने आगे से ट्रैफिक आएगा, तो आपने सारी कैलकुलेशन कर ली थी, सच्चाई है, इतने बड़े बच्चे बना दिया वापिस जाना है, देख लो क्या देख लो, वीडियो कर यहां इससे बनानी है, यहां तो ये कॉर्नर देखने पड़ेंगे अच्छे से, ये वाला भी देखना, ये वाला भी सही है, सही है, बड़ा है, बहुत बड़ा कॉर्नर है, इसमें फिर बॉडी वैसे ही रखनी पड़ेगी पूरी, नहीं तो इसमें मैक्सिमम दम जाता है, यूं जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर से जाएगा एक फ्लो में पूरा कॉर्नर, फिर बट सही में भाई मैं बताता हूँ जाऊँ क्या, हमको नहीं लगता, हमको नहीं लगता कि हमको तो नॉर्मल है, हो जाते हैं ना कि बहुत टाइम से चला रहे हैं, जिसको फ्लाई बाय मिलता है ना वो वही फील करता है, बाइक पे तो ये मतलब हाँ, बोलते मैं तो चलान के लिए की है, चलान ऐसे हाँ वीडियो से मैं दो बार चलान हो गया, मेरा पेंडिंग पड़ा है, भरे नहीं जा रहा ऑनलाइन, फिर अभी आ रहे थे ना परसों, कैमरे लगे ना उधर, वीडियो की नहीं कैमरों से, चंडीगढ़ में, हाँ
अब बढ़िया मैंने कर दिया है। देखो उसकी हालत तो बहुत गंदी है।